उत्तर प्रदेश के सिकंदरा क्षेत्र की एक छात्रा ने अपने दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दोस्त ने बेहोश करके पहले शादी के फोटोग्राफ खींच लिए, बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा। 40 लाख रुपए मांग रहा था, रुपए नहीं देने पर फोटो वायरल कर दिए। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अप्रैल माह से तनाव में है। इंटरमीडिएट में खातीपाड़ा लोहा मंडी निवासी अभिषेक यादव, जो कि साथ में पढ़ता था, दोनों फोन पर भी बातचीत करते थे। वह उसे अपना दोस्त समझती थी। 5 अप्रैल को अभिषेक ने उसे बुलाया, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसके घर पर थी। उसने बताया कि दोनों की शादी हो गई है। यह सुनकर वह हैरान रह गई। अभिषेक ने उसे शादी के फोटोग्राफ दिखाए। उसे यह भी बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसने अब कोई ड्रामा किया तो उसे बदनाम कर देगा, वह घबरा गई। आरोपित उसे अपने साथ चेन्नई ले गया। मौका मिलने पर उसने चेन्नई से अपने पिता को फ़ोन किया, पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि बहाने से आगरा आ जाओ, यह बोलो कि घर वाले शादी करा देंगे, यहाँ आने पर सब देख लेंगे। उसने ऐसा ही किया। अभिषेक आगरा ले आया। 8 अप्रैल को वह अपने घर पहुंची। घर में दादा दादी को कोरोना हो गया था, उनका देहांत हो गया, पूरा परिवार गहरे सदमे में था, वह भी खामोश रही। बाद में आरोपित फ़ोन करके 40 लाख रुपए की मांग करने लगा, वह घबरा गई। सबसे पहले शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द कराया, रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचकर अपना पक्ष रखा। आरोपित को यह जानकारी हो गई, उसने उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। घर वालों ने दूसरी जगह उसका रिश्ता तय कर रखा था, वह रिश्ता भी टूट गया। आरोपित लगातार धमकियां दे रहा है। आरोपित के माता पिता भी उससे मिले हुए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण, जहर खुरान